नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों की याद में आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के मनकाडी बाजार में बसपा कार्यकर्ताओं ने हरैया सेक्टर अध्यक्ष विजय बहादुर के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च बैंक से चौक होते हुए पूरे बाजार में शांतिपूर्ण ढंग से निकालकर ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि शहीद हुए किसानों के प्रति हम संवेदना रख रहे हैं और हम हर हाल में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि जो भी इस मामले में अपराधी है उनको सजा मिले और आरोपी मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाए। उन्होंने कहा यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग ये आंदोलन और भी तेज करेंगे। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जुलूस में हिस्सा लिया और शहीद किसानों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। इस दौरान मौके पर बहादुर यादव, विजय सिंह, जानकीनाथ मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है आपका? जानकीनाथ मौर्य। कौन सा ग्राम सभा पड़ेगा? ग्राम सभा हरैया। अच्छा, ये किस तरह का कैंडल मार्च निकाला गया? ये लखीमपुर में जो शहीद किसान हुए हैं उनके यादगार में ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। अच्छा अच्छा, क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है जो अपराधी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र जो है सजा मिले और जो मंत्री हैं वो बर्खास्त किए जाए। अच्छा, कहाँ से कहाँ निकाला गया है? मनकाड़ी बाजार, मनकाड़ी मार्केट में निकाला गया। कहाँ तक निकाला गया है? बैंक से चौक तक ले, बैंक से लेकर के इधर चौराहे तक आ रहे हैं। क्या अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आप लोग रोज ऐसे करेंगे? रोज तो नहीं करेंगे लेकिन आंदोलन जो और तेज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।